तो शाम के लगभग 6 बजने वाले हैं। मैं SSKM मॉर्ग फोरेंसिक डिपार्टमेंट में बैठी हूँ। आज मैं जिनसे मिलने आई हूँ, इनका काम वाकई ऐसा एक काम है जिसको करने के पहले समझ लीजिए आपने और मैंने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ काम हमें करना पड़े। शेयर दिल विद स्मृति। सलाम बोलना चाहती हूँ और बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ इस वक्त हमारे बैठे तीन भाइयों से। सबसे पहले तो आप लोगों का नाम जानना चाहूंगी। संजय मल्लिक, विकी मल्लिक, आनंद मल्लिक। तो हमारे तीन मल्लिक भाई जो है यहाँ बैठे हुए हैं और मैं देख पा रही हूँ इनके कपड़ों में खून के छींटे हैं और ये मजाक नहीं है, क्योंकि ये वो लाल धब्बे हैं जो हमें आज इन शेरदिल मेहमानों के और भी करीब लाता है। इनके काम को सराहने की आज मैंने आपके बिहाफ में एक कोशिश की है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या काम होता है यहाँ पे और आप लोग क्या काम करते हैं। हमारा काम यह है, अगर कोई बॉडी अननेचुरल डेथ होता है, उसको पुलिस वैन लेकर आती है, उसको उठाकर अपने मॉर्ग पे प्रिजर्व कर देना है। उसके बाद हमारे डॉक्टर हम लोगों को ऑर्डर करते हैं कि ये नाम का बॉडी, ये इंक्वेस्ट नंबर ये है, आप उसको लेकर आओ। हम लोग उठाकर ले आते हैं अपने डॉक्टरों के पास। डॉक्टर बोलते हैं कि बॉडी का पोजीशन ये करो वो करो, जैसे करने बोलते कर देते हैं, बाकी काम डॉक्टर करते हैं। तो कितने साल हो गए ये काम करते हुए? यहाँ पर 10 ईयर्स हो गया और एनाटॉमी डिपार्टमेंट में मेरा 6 साल था। आपका? 8 ईयर्स हुआ हम लोग का। 8 साल तकरीबन। और जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ जो मुझे सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट पर। यहाँ एंटर करते ही मुझे एक बहुत ही अलग गंध का सामना करना पड़ा जो काफी तेज है। ये क्या महक है? जब हम लोग बॉडी काटते हैं तो उससे कुछ फ्लूइड निकलता है, वो फ्लूइड का गंध है। मैं सवाल यही आपसे करूं तो आपको आपका काम कैसा लगता है? देखिए, काम ये भी अच्छा है और अगर हम IPS होते तो भी अच्छा रहता। अब ये तो तकदीर की बात है, आप कहाँ हम कहाँ है। पहला दिन इन मॉर्ग कैसा रहा? थोड़ा तो माइंड डिस्टर्ब हुआ, फिर सोचे कि भाई आपको करना तो यही है, इस पर ही आप अपना फोकस रख लो। बस फोकस रख दिए, माइंड चेंज हो गया, ना गंध ना दुर्गंध कुछ नहीं आता। परेशानियों का सामना करना पड़ा? जब परेशानी सिर्फ एक बार ही हुआ था, जब AC खराब हो गया था तो जो डेड बॉडीज था और उनका जितना फंगस था पूरा मेल्ट होके पूरा ऑयली तेल बहुत सारा, मतलब हम लोग को बाल्टी हम लोग वो तेल वेल उठा के पूरा ड्रेनेज में हम लोग फेंके 8-10 किलो के अंदर में दायरे में, पूरा स्मेल जो आपको मिल रहा है वो पूरा फैल गया था। ऐसा भी था कि 8-10 दिन तक हाथ से वो स्मेल नहीं गया था। कभी ऐसा कोई मोमेंट हुआ मॉर्ग में जब शायद काम कर रहे हो, रात का वक्त हो, कुछ भी कि बस समझ जाइए कि बहुत डर लग गया हो एकदम? जिंदा इंसान इंसान को मारेगा, मरा हुआ इंसान हमको क्या मारेगा, सीधा जवाब है ये। तो मतलब दुनिया वालों का नजरिया जो एक बना के कहानी बताते हैं, फिल्मों में दिखाते हैं, ऐसा होता है? सब झूठ है, कुछ नहीं होता है, कोई भूत वूत नहीं होता। और जो इंसान मर गया उसके भला के लिए तो हम लोग ये काम करते हैं। वो क्यों मरा, कैसे मरा, उसका डिटेक्शन करने के लिए तो पोस्टमार्टम होता है, तो हम तो उसका भलाई करेंगे, वो मेरा बुराई क्यों करेगा। सबसे ज्यादा वक्त कौन से में? मान लीजिए 5 मिनट या कभी कभी 2 घंटा भी। जब तक कॉज ऑफ डेथ नहीं मिलता है, हमारे डॉक्टर साहब लोग हम लोगों को बोलता है ऐसे करो ऐसे करो। कभी कभी एक्सीडेंट बॉडीज, डिकम्पोज बॉडीज, बहुत सारा तरीका का बॉडीज हम लोगों ने देखा। फिर जो गैस में ब्लास्ट हो जाते हैं वो सब बॉडीज हम लोगों ने तो कभी उस नज़रिए से वो बॉडीज को कभी फील करके देखा नहीं। हम लोग का काम सिर्फ यही, हम लोग फोकस करते हैं माइंड में कि वो आया है, अब उनका कॉज ऑफ डेथ हम लोग को बताना है या डॉक्टर साहब है उनको तसल्ली ये चीज़ का हो कि हाँ ऐसे उनका डेथ हुआ है या कोई भी रीज़न हो। एक बच्चा था, 2 साल या 3 साल का बच्चा होगा, इसका कॉज ऑफ डेथ क्या था कि बलून, वो जो छोटा बलून हम लोग बर्थडे पार्टी या शादी वगैरह में यूज़ करते हैं, तो वो बलून उसके गला के अंदर फंसा हुआ था। सब कुछ दिखाया सर को तो फिर मिला नहीं, फिर काफ़ी खटने के बाद तब वो बलून शायद उसका वो होल के अंदर फंसा हुआ था, तब मैंने निकाला था। तब वही एक केस है जो मेरा, मतलब आज भी आपके जहन में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। एक दिन में तकरीबन कितने बॉडीज को हैंडल करते हैं? एवरेज 5 और 6। आज कितना हुआ? आज 5।
कभी अर्जेंट में होता है कि देर रात भी काम करना पड़ता है। आपको बोले ना वो बराबर यार जैसा घटना या आमरी जैसा घटना या स्टीफन कोट जैसा घटना होता है, फिर हम लोगों को कमांडर के जैसा रेडी रहना होगा। मैं चाहती हूँ जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं शेर दिल के, आज के इस एपिसोड के बाद जरा सोचिए इनके बारे में भी, जरा नजरिए को बदलिए, क्योंकि ये सिर्फ कलकत्ता में ही सीमित नहीं है, पूरे इंडिया में, पूरे दुनिया में, हर एक कॉर्नर में ऐसे दोस्त हमारे जो हैं इतनी सेल्फलेसली काम को कर रहे हैं। कुछ नहीं तो उनको हाथ जोड़कर एक बार थैंक यू बोलिए, बोलिए शुक्रिया कि आप हमारे समाज का हिस्सा है और हम जो काम करने के काबिल नहीं है आप वो काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर्स। थैंक यू दीदी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हो सके तो आप बोलिएगा हम लोग के लिए कि गवर्नमेंट से भी कुछ, मतलब ऐसा एक्सपेक्ट तो हम लोग नहीं करना चाहते, तो गवर्नमेंट से भी हम लोग थोड़ा सा सम्मान या कोई सम्मान के साथ कोई जगह में बुला के, या हमारे जैसे कितने भी काम करने वाले भाई उन लोग को बुला के पब्लिक के सामने हो या बहुत सारे के सामने एक सम्मान दिया जाए या सर्टिफिकेट हो या कोई भी जैसा कोई हो जिससे हम लोग अच्छा फील हो कि हाँ हम लोग भी अच्छा देश के लिए कर रहे हैं। समाज के तरफ से, सरकार के तरफ से कुछ हम लोग को इज्जत मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ बातें करने के लिए, हमें इतना समय देने के लिए थैंक यू, और गॉड ब्लेस आप लोगों को।